वाव फाइव के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आयुषी शर्मा अपने इस चैनल में आपको फाइव ऐसे टिप्स या ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी जिनसे आप अपनी जिंदगी बेहतर और आसान बना सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में होने वाली सबसे बड़ी परेशानी हाथ पैरों में सूजन। हाँ, लेकिन कहने में देखने में तो ये बहुत ही इजी सिंपल और नॉर्मल सा है कि हाँ इसमें क्या कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जिसको होती है उसे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है और कितनी इरिटेटिंग होती है। चलिए तो मैं बताती हूँ आपको वो 5 टिप्स जो कि आप इजीली अपने घर में अपने किचन से यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फर्स्ट टिप, सरसों का तेल, जो सभी के घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है और मोस्टली बहुत लोग तो सब्जियां भी उसी में बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेके उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाकर उसे गर्म करके अपने सूजे हुए उंगली या पैरों पे लगा के ढक लेना है। उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मेरे सेकंड टिप की ओर। सेकंड है हल्दी। हल्दी मतलब हर चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है और हमने अपने बड़ों से भी सुना है कि हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हमें हल्दी का क्या करना है, जैतून का तेल हम सभी जानते हैं और इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हो जाता है। तो जैतून के तेल में आधा चम्मच हल्दी मिला के उसके लेप को अपने सूजे हुए हाथ और पैरों पर लगा लेना है। उसके 20 मिनट बाद उसे गर्म पानी से धो लें, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं मेरे थर्ड टिप की तरफ। थर्ड है हमारा आलू। आलू मतलब मोस्टली सबके घर में अवेलेबल होता है, विंटर्स हो समर हो हमेशा रहता है और आलू तो सब्जियों का राजा भी होता है। बिना आलू के हम अपनी सब्जी अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैं बताती हूँ उसे अपनी इस प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करना है। तो हमें आलू को काट कर उसमें नमक डालकर अपनी सूजी हुई जगह पर लगा लेना है और फिर कुछ मिनट बाद उसे गर्म पानी से धो के ढक लें। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी सूजन में भी बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। है मेरे फोर्थ टिप की तरफ, वो है प्याज। तो हमें प्याज का क्या करना है, उसका रस निकाल कर अपने सूजे हुए हाथ पैरों पर उसे रब करना है, थोड़ी देर मसाज करनी है और उससे आपको खुजली और सूजन में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। लास्ट टिप है फिफ्थ, जो कि आपकी और मेरी